कहता है एक्टिविटी 1.9 की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है आप दो भी कर लें और उसमें CuSO4 डाल दें। CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसमें भी क्या डाल दें? कॉपर सल्फेट। कलर कैसा होता है? ब्लू। कहता है एक में दो आयरन नेल्स डाल दें और एक आयरन नेल्स को फ्री रख लें। टोटल तीन आयरन नेल्स ली हैं, तीन ली हैं, दो हमने डिप कर दी हैं और एक बाहर रखी है। कहता क्या कलर चेंज आएगा ए और बी मानने के बाद? ए है कॉपर सल्फेट डाला, उसमें आयरन नेल्स दो डाल दी है, और एक है उसमें हमने केवल क्या रखा है? CuSO4 लिया है, जिसका कलर कैसा है? ब्लू। क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? जब इसमें आपने CuSO4 में आयरन एस डाली है, Fe डाला है, रिएक्ट करेगा गारंटी से, क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu, ये डिस्प्लेस कर जाएगा। ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये पता ही है। अब देखना क्या होगा, इसका कलर कैसा था? इसका ब्लू था। इसका कलर क्या हो जाएगा? आफ्टर 20 मिनट अगर मैं देखूं, इसका ब्लू कलर नहीं मिलेगा, ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। और गायब होने के बाद ऐसा भी हो सकता है आपको FeSO4 पूरा मिल जाए। ज्यादा देर तक रखो, टाइम पे डिपेंड करता है कितने टाइम तक रखते हो। अगर पूरा आयरन नेल्स इसमें डुबा देते हो, छोड़ देते हो, पूरा रिएक्ट करने देते हो, तो FeSO4 का कलर आपको कैसा मिल जाएगा जी? ग्रीन कलर मिल जाएगा। अब आयरन नेल्स मैंने मान लिया कुछ टाइम के बाद निकालनी थी, ये आयरन नेल्स जो अलग थी ये भी निकालनी थी, ये निकालनी थी, और मैं आके फाड़ फाड़ के देखूंगा तो ऑब्जर्व क्या मिलेगा? इसका तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाहर थी, जो अंदर डाली थी उससे बाहर निकाली थी, उसका आपको कलर बदला हुआ मिलेगा, उसका ब्राउन कलर मिलेगा। कैसा कलर? ब्राउन है।